नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पुणे, मुंबई, अकोला यहाँ पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब वायग्रा जैसी टेबलेट जो है, सिल्डानाफिल, टाडालाफिल, वर्दानाफिल, ये जब काम करती नहीं है या वो रिकमेंडेड नहीं है, मतलब कोई साइड इफेक्ट हो रहे ज़्यादा इसलिए लोग पसंद नहीं करते लेना, या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते नहीं है कि भाई नहीं, सिल्डानाफिल नहीं दे सकते क्योंकि आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो चुका है, आप ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा मसल पेन, हेडेक, ऐसे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो फिर वो लोग लेना पसंद नहीं करते ये दवाइयाँ। बोले भाई हमको वो दवाई मत दो, मतलब एक बार सेक्स नहीं हुआ तो चलता है मगर वो दवाई नहीं होना, क्योंकि उससे ज़्यादा फायदा भी नहीं हो रहा है। फिर ऐसे समय क्या करें, क्योंकि प्री मैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये जो दो प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा है। 18 से लेके 65 साल ये उम्र में 60-70% लोगों को कभी ना कभी ये प्रॉब्लम होते रहते हैं उनके लाइफ में। फिर उनको उसमें होमोसेक्सुअलिटी का भी प्रॉब्लम है कि भाई होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन है और उसमें से वो बाहर आना चाहते हैं, या किसी को मास्टरबेशन का एडिक्शन है, या पॉर्न का एडिक्शन हो चुका है, मतलब या बहुत ज़्यादा सेक्स है, या फिर सेक्सुअल डिजायर ही नहीं है। फिर उसमें साइकोथेरेपी हम करते, मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक करते, मगर ये करने के बावजूद भी फायदा नहीं हो रहा है। ऐसी कोई स्टडीज है कि जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स ये हम देते हैं बहुत ज़्यादा प्रमाण में, और उसकी डेफिशिएंसी यदि बॉडी में है तो वो डेफिशिएंसी हम भर के निकाल सकते हैं तो सेक्स लाइफ अच्छी हो सकती है, इरेक्शन या प्री मैच इजैकुलेशन ठीक हो सकता है। फिर अभी ऐसे कौन सी दवाइयाँ हैं या ऐसे कौन से विटामिन हैं, तो इसमें हो सकता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फिर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जिंको बिलेवा, जिनसेंग, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स जैसे विटामिन सी, विटामिन जिंक, विटामिन D3 या विटामिन डी, मिनरल्स है, फिर एल आर्जिनिन जैसे द्रव्य है, स्ट्रेस एलिमेंट्स है। तो ऐसे जो अलग 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 द्रव्य है या केमिकल्स जो है, या आयुर्वेदिक एलोपैथी भी है, और ये देते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। ये काफ़ी अच्छी मात्रा में लेते हैं और कम से कम एक महीना तक लेते हैं ये, तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है, आपका सेक्स लाइफ अच्छा हो सकता है। जो प्रॉब्लम है प्री मैच इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब नपुंसकत्व आना, लिंग में कठोरता नहीं आना, लिंग में टाइटनेस नहीं आना, कमजोरी लगना, सेक्स की दुर्बलता, या फिर शीघ्र वीर्य पतन होना, या फिर हस्तमैथुन की लत लगना, तो ऐसे इसमें यह काम में आती है। अब ये दवाई के लिए हमने नीचे लिंक दी हुई है, वो लिंक के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा और अधिक जानकारी आप ले सकते हैं कि ऐसी कौन सी दवाइयाँ हम ले सकते हैं, कि जो दवाइयाँ आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो जाएगा। अलग अलग जो मैंने भी नाम बताया, विटामिन्स, मिनरल्स, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स, जिंको बिलोमा, जिनसेंग जैसी दवाइयाँ, 3 ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसी है, वो सब आपको जानकारी मिल जाएगी, आप वो ले सकते हैं और आपका सेक्स लाइफ अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।